कामदेव और भगवान शिव की कथा एक दिव्य मुठभेड़ हिंदू पौराणिक कथाओं के प्राचीन क्षेत्र में, जहां देवताओं और राक्षसों का ब्रह्मांड पर प्रभुत्व था, वहां तारकासुर नाम का एक दुर्जेय राक्षस रहता था। इस दुष्ट प्राणी को अजेयता का वरदान प्राप्त था, जिसका उपयोग उसने देवताओं और मनुष्यों दोनों के बीच अराजकता और कलह पैदा करने के लिए किया। जैसे ही तारकासुर के अत्याचार से स्वर्ग कांप उठा, दिव्य देवताओं ने गहन विचार विमर्श किया, क्योंकि वे जानते थे कि केवल असाधारण शक्ति वाली शक्ति ही राक्षस के प्रकोप को दबा सकती है। इस दिव्य संगम के बीच उनकी सामूहिक दृष्टि ब्रह्मांडीय विनाश और पारलौकिक ध्यान के अवतार भगवान शिव की ओर मुड़ गई। शिव का निवास स्थान कैलाश एक शाश्वत अभयारण्य के रूप में खड़ा था, जहां उन्होंने खुद को गहन ध्यान में डुबो दिया। उनका अस्तित्व शांति और वैराग्य का प्रतीक था। हताश और दृढ़ निश्चयी देवताओं ने तारकासुर के खतरे के खिलाफ हस्तक्षेप की प्रार्थना करते हुए महान देवता को उनकी ध्यान की समाधि से जगाने के उपाय पर विचार किया। तभी उनकी नजर प्रेम और इच्छा के रहस्यमय और दिव्य देवता कामदेव पर पड़ी। अलौकिक आकर्षण और जोश भड़काने वाले तीर चलाने वाले कामदेव के पास सबसे अड़िग दिलों में भी जोश की ज्वाला भड़काने की शक्ति थी। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ देवताओं ने कामदेव की ओर रुख किया और उनसे भगवान शिव को उनकी ध्यान की नींद से जगाने और तारकासुर के खिलाफ अपनी ताकत जुटाने का आग्रह किया। कामदेव आगे आने वाले कठिन कार्य को जानते हुए अपने पवित्र मिशन पर निकल पड़े। वह कैलाश पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियों की ओर बढ़े, जहां भगवान शिव का भव्य निवास पूरी भव्यता के साथ स्थित था। जैसे ही कामदेव ने आकाशीय परिदृश्य का भ्रमण किया, उनके दिव्य अस्तित्व में उद्देश्य की गहरी भावना जागृत हुई। उन्होंने अपने प्रयास की भयावहता, अपने कार्यों के संभावित परिणामों और ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री के भीतर मौजूद जटिल संतुलन को समझा। पवित्र निवास पर पहुंचने पर कामदेव की उपस्थिति से मंत्रमुग्धता और आकर्षण की आभा झलक रही थी। उनका दीप्तिमान रूप आकाशीय धुंध के बीच नृत्य करता हुआ प्रतीत होता था। उनका सार ही इच्छा की सर्वव्यापी शक्ति का प्रमाण था। कामदेव ने अपने प्रेम भरे बाण चलाए, जिनमें से प्रत्येक में सबसे सुप्त भावनाओं को भी जगाने की शक्ति थी। उन्होंने अपने धनुष को सटीकता से खींचा और अपने तीरों को भगवान शिव के हृदय की ओर निर्देशित किया, इस आशा से कि उनके भीतर ऐसी भावनाएं जागृत हो जाएं जो उनके शांत ध्यान से परे हों। जैसे ही तीर अपने इच्छित लक्ष्य की ओर बढ़े, हवा ने अपनी सांसें रोक ली। उस क्षण में ब्रह्मांड ने अपनी सांसें रोक ली, मानो सृजन और विघटन के बीच का नाजुक संतुलन एक चट्टान पर कांप रहा हो। लालसा के रस से प्रज्वलित कामदेव के बाणों ने भगवान शिव के हृदय पर प्रहार किया और उनके कैलाश का शांत अभयारण्य भावनाओं के झरने से भर गया। भगवान शिव की आंखें खुली की खुली रह गईं। उनकी दृष्टि की गहराई अस्तित्व के ताने बाने को भेद रही थी। उसके भीतर समुद्र की ज्वारीय लहरों के समान लालसा का ज्वार उमड़ पड़ा। ब्रह्मांड में व्याप्त दिव्य ऊर्जा शिव की नव जागृत इच्छा के साथ प्रतिध्वनि में कंपन कर रही थी। दूर से इस उभरते नाटक को देख रहे देवताओं ने अपनी सामूहिक सांसें रोक लीं, क्योंकि दुनिया की नियति इस महत्वपूर्ण मोड़ पर निर्भर थी। फिर भी जैसे ही भगवान शिव की नजर इस भावनात्मक उथल पुथल के स्रोत पर पड़ी, उनकी तीसरी आंख, जो उनकी उत्कृष्ट अंतर्दृष्टि और परम शक्ति का प्रतीक थी, से तीव्र चमक निकलने लगी। दिव्य ऊर्जा जो उनके अस्तित्व के माध्यम से उभर कर एक शक्तिशाली शक्ति में परिवर्तित हो गई, उनका अटूट ध्यान सृजन की शुद्ध ऊर्जा के साथ मिल गया। एक गंभीर और विचारशील इशारे के साथ भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख की शक्ति को कामदेव की ओर निर्देशित किया। उनकी दृष्टि की तीव्रता प्रेम के दिव्य देवता पर पड़ी और एक पल में कामदेव झुलसाने वाली लपटों की एक धारा में भस्म हो गए। शिव की अदम्य इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति आकाशीय आग ने कामदेव के रूप को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह राख में तब्दील हो गए, जो ब्रह्मांडीय हवाओं पर बिखर गए। देवताओं ने विस्मय और भय से देखा जब कामदेव का बलिदान उनके सामने प्रकट हुआ। इच्छा के देवता का बलिदान उनके आह्वान के उद्देश्य से ही बलिदान कर दिया गया। ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले देवताओं द्वारा संचालित अपार शक्ति के प्रमाण के रूप में समय के इतिहास में गूंज उठा। फिर भी भले ही कामदेव का साकार रूप राख में तब्दील हो गया, उनका सार कायम रहा, एक अमूर्त प्रतिध्वनि जो देवताओं और मनुष्यों के दिलों में समान रूप से गूंजती रही।
इस दैवीय अग्निकांड के गमगीन परिणाम के बीच एक शोकपूर्ण विलाप ने दिव्य लोगों को झकझोर दिया। कामदेव की प्रिय पत्नी रति अपने दिव्य साथी को खोने के गम में फूट फूट कर रोने लगी। उसकी वेदनापूर्ण चीखें आकाश में गूंज उठी, जो देवताओं और मनुष्यों के बीच प्रेम और बलिदान के बीच मौजूद गहरे बंधनों की गांठ के गमगीन परिणाम के बीच एक शोकपूर्ण विलाप ने दिव्य लोकों को झकझोर दिया। कामदेव की प्रिय पत्नी रति अपने दिव्य साथी को खोने के गम में फूट फूट कर रोने लगी। उसकी वेदनापूर्ण चीखें आकाश में गूंज उठी, जो देवताओं और मनुष्यों के बीच प्रेम और बलिदान के बीच मौजूद गहरे बंधनों की एक मार्मिक याद दिलाती थी। रति का दुख उन भावनाओं का प्रतीक है जो कामदेव ने कभी दूसरों के भीतर प्रज्वलित की थी, भगवान शिव के कानों तक पहुंची। जिस देवता ने विनाश की ज्वाला को प्रज्वलित किया था, उसने अब प्रेम की पीड़ा की कच्ची शक्ति को देखा। रति की पीड़ा से प्रभावित होकर और नियति के उस जटिल जाल को समझकर, जिसके कारण यह मोड़ आया, भगवान शिव ने महसूस किया कि उनके भीतर करुणा की लहर दौड़ गई है। एक ऐसे भाव के साथ जिसने नश्वर समझ की सीमाओं को तोड़ दिया, भगवान शिव ने अपनी दिव्य ऊर्जा को प्रवाहित किया। कामदेव हालांकि राख में तब्दील हो गए थे, उन्हें राहत मिली। उनका सार एक असंबद्ध और ईथर रूप में फिर से जागृत हो गया। कामदेव का सार नश्वरता की सीमाओं को पार करते हुए अब एक सर्वव्यापी शक्ति के रूप में अस्तित्व में है, जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले सृजन और विघटन के बीच जटिल अंतर संबंध की याद दिलाता है। घटनाओं की इस असाधारण श्रृंखला के मद्देनजर देवताओं और भगवान शिव ने सामूहिक रूप से अपना ध्यान उस कार्य की ओर लगाया जिसने शुरू में उन्हें कार्रवाई के लिए बुलाया था, तारकासुर की हार। कामदेव के बलिदान और भगवान शिव की करुणा से सशक्त होकर देवताओं ने दुर्जय राक्षस के खिलाफ भयंकर युद्ध छेड़ दिया। ब्रह्मांडीय युद्ध क्षेत्र दिव्य शक्तियों के संघर्ष से गूंज उठा और अंत में देवताओं और उनके दिव्य उपकारक की संयुक्त शक्ति की जीत हुई। तारकासुर, जिसे कभी अजेयता का प्रतीक माना जाता था, परास्त हो गया। उसके आतंक के शासन को दैवीय धार्मिकता की विजयी शक्तियों ने कुचल दिया। जैसे ही संतुलन बहाल हुआ, ब्रह्मांड ने राहत की सामूहिक सांस ली और सृजन और विघटन का ब्रह्मांडीय नृत्य निरंतर जारी रहा। कामदेव और भगवान शिव की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं के इतिहास में अंकित है, एक कालातीत कथा जो इच्छा, त्याग और नियति की कठोर यात्रा के धागों को एक साथ जोड़ती है। यह देवताओं और नश्वर प्राणियों को बांधने वाले जटिल संबंधों, ब्रह्मांड को आकार देने वाली शक्तिशाली शक्तियों और अस्तित्व के केंद्र में सृजन और विघटन के बीच शाश्वत नृत्य की मार्मिक याद दिलाता है।